असलमकुम वरह लबरकू इन शह तआला तो के ऊपर एक पूरी सीरीज़ की शुरू करेंगे लेकिन आज एक बहुत ही इम्पॉटेंट नुक्ते पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वैसे तो इन तआला हम हमीद तोहद के अरकान सबा यानी इसके जो सात अरकान हैं इस पर बड़ी तफसील से बात करेंगे इन शह लेकिन अक्सर बाज ऐसे अल्फाज होते हैं जिनके माना में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं या उन्हें फ़र्क पता नहीं होता मिसाल के तौर पे एक लफ्ज़ है वाहिद जिसका माना होता है एक और एक लफ्ज़ है तो इन दोनों के दरमियान माने के हिसाब से मीनिंग के हिसाब से क्या कनेक्शन है जहाँ तक अरबिक ग्रामर के ताल्लुक़ है तो लफ्ज़ तोहैद जो है ये ग्रामेटिकली बा तफेल का मजदर है और इसके जो डिक्शनरी या लुघवी माना है वो है एक करना और इसका जो रूट वर्ड है जिसे मुश्किल उर्दू में माद इश्ताक कहते हैं वो है वाहदतन और इसी से वाहद भी निकला है जिसके मानी एक के हैं तो माहरीन इल्म रियाजी यानी मैथमेटिशंस और वो लोग जो इल्म आदाद और हिंसे के जो माहरीन हैं, उनके नज़दीक जो है वाद दो का आधा है अब इस तरह वाहिद की अकसाम बयान हुई वाहिद का एक माना क्या हुआ कि वाहिद जो है वो आददी है दूसरा वाहिद जिनसी है और तीसरा वाहिद नो है मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा आपको और फिर वाद और तोहैद का फ़र्क समझाता हूँ तो वाहिद आददी यानी आदद यानी काउंटिंग के हिसाब से जो वाहिद होता है वो क्या माना मैंने आपसे ज़िक्र किया कि दो का आधा वाहिद हो गया और जहाँ तक वाहिद जिनसी का ताल्लुक़ है तो इसमें जो मनातिका हैं जो मंत के लॉजिक है, केलमाएँ हैं और फ़लासफ़ी केमामा है फलासफ़र फ़लासफ़ा हैं जो फ़लासफ़र्स हैं उनके नज़दीक वाद जिनसी उसे कहते हैं जो अपनी जिस के अतबार से एक हो मिसाल के तौर पर हैवानात ये एक जिन्स है समझ आ गई और जिसम नामी एक जिन्स है इसी तरह जिन्स की एक 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 फॉर्म है उस फॉर्म के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें कैटेगराइज हो जाती हैं जैसे शेर है गाय है बकर ये सब हैवान हैं जिनसे हैवान से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन अपनी ख़ास जिन्स के लिहाज से ये वाद हैं क्योंकि सब हैवान हैं इन तमाम जानवरों में हैवानियत जो है ये मुशतरक है लिहाजा ये तमाम जानवर एक जिन्स के लिहाज से वाद जिनसी हो गए इसी तरह जो तीसरी फॉर्म है वो वाद नो है अगेन जो लॉजिक और फ़लासफ़ी के ललमाएँ उनके नज़दीक वाद नो वो है जो अपनी नाओं के लिहाज से एक हो मसवान की कई अनवाह हैं कोई हैवान जो हैं वो हन हनाने वाले हैं कोई हैवान जो हैं वो चीरने फाड़ने वाले दरिंदे हैं तो इसी तरह इंसान जो है वो भी हैवान कह कहलाया जाता है यानी कि ऐसा हैवान है जो बातचीत कर सकता है बोल सकता है तो अपनी नौ का हर इंसान जो है उसी नौ में आएगा जिसको आप इंसानी हैवान कहते हैं उसका एक फ़र्द होगा तो इसी तरह जो है ये वाद नवाई हो गई तो अब जब हम पहले कह रहे थे वाहिद जिनसी तो उसमें सारे हैवानात आ गए लेकिन जब हम वाहिद नोड़ कहेंगे तो अब हम बकरी को और शेर को एक ही किस्म में नहीं डालेंगे क्योंकि है तो दोनों हैवान लेकिन बास फीचर्स की वजह से अपनी अपनी नाव में डिस्ट्रीब्यूट होंगे आई होप इट्स नॉट कन्फ्यूजिंग आपके लिए ये कन्फ्यूजिंग मैटर ना हो तो क्या कस्में थी वाद आददी वाद जिनसी और वाद नोड़ अब आ जाते हैं तोहहीद पर अब जो मैंने आपके सामने वाहिद की तारीफात रखी हैं इसके मुताबिक अगर कोई शख्स <क्थाँगा> अल्लाह को माज़ अल्लाह स्तफ़र आज़ीम वाद आददी माने तो वो मशरक होगा क्योंकि उसने वाहिद आददी की तारीफ़ के मुताबिक अल्लाह को माज़ अल्लाह दो का आधा तस्लीम किया और अल्लाह सुबहान व तैयद दो के लिहाज से वादत का मफहूम यूँ आ गया तो अगर कोई इंसान अल्लाह को वाद जिनसी माने तो तब भी मशरक कहलाएगा इसकी वजह है कि इसमें अशतरा के जिन ज़रूरी है अल्लाह रब्बुल रब्ज़त जो है वश्तरा के जिन से पास पाक है इसी तरह कोई शख्स अल्लाह को वाद नो ई माने तो भी मुशरिक होगा क्योंकि नौ के लिए अफराद जो है वो एक से जायद होते हैं तो लिहाजा ये अमर जो है ये तहक़ीक़ शुदा होगी ये बात कि इन तमाम तारीफा के मुताबिक अल्लाह को ना तो वाहिद अददी माना जाएगा ना वाहिद जिनसी माना जाएगा ना वाहिद नवाई माना जाएगा क्योंकि इससे फिर शर्क लाजम आता है तो फिर हमें यह तस्लीम करना पड़ेगा कि हम मुसलमान अल्ला वत को वाहिद मानते हैं जिससे ज़ुबान मुतफ़ा ने बयान किया है और इसका इजहार हु अल्लाह अहद से हुआ है तो ये बात जहन में अच्छी तरीके से बिठा लेनी चाहिए कि अल्लाह के वाहिद होने का ये माना हरगिज़ नहीं कि दूसरे के अतबार से उसमें मफहम वाहदत आया है इस पर पूरी उम्मत का मुत तफ़ अल और अकीदा है कि अल्लाह रबुज़त ना वाद अददी है ना वाद जिनसी है ना वाद नोई है बल्कि अल्लाह के वाद होने का माना यह है कि वह वाद हकी है और उसकी ज़ात अज़ल से ही वादत ज़ाती है और वह हर क़स्म के इश्तराक़ से हर क़स्म के इजतबा से हर क़सम की ममासिलत से तदद से तकसर से तजी से हलूल से इतिहाद से इम्कान से हदूस से तरकीब से तबय से तहलील से पाक है और इन तमाम अकायद का एलान हुजूर सल्लल्लाहु हज़ुर सल्ला वसल्लम की ज़बान मुबारक से मेरे रब ने करवाया ये नहीं कहा कि हु अहद कहा कुल हु कुल्लू अहद मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि साल वसल्लम आप इनसे कहिए आप इनको बताइए ये अपनी मर्ज़ी से ला इलाहा इल्लल्लाह कहते फिरे लेकिन जब तक ज़बान मुस्तफ़ा से ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्दीक ना करेंगे मैं इनका ईमान ही कबूल नहीं करता तो हुजूर से कुल कहवाया और इससे वादत हकीकी को अहद से ताबीर किया गया तो ये बात आपको बतानी ज़रूरी थी कि आप इस मामले को अगेन यू नो ये हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैटर हो लेकिन मैंने अपनी तरफ़ से कोशिश की है कि इसको ज़रा आसान जबान में आपको समझाऊँ कि असल में वाद और तोहैद जो है इनमें आपस में क्या मामला अच्छा इसी तरह इन श्र् फिर अगली दफ़ा हम क्या करेंगे कि वाहदत और तोहैद इन में जो फ़र्क़ है वो मैं आपके सामने इन श्रह तखने की कोशिश करूँगा तो आज के दर्स में हमने आहद की अकसाम पढ़ी वाद की अकसाम पढ़ी और वाद की अकसाम जो तीन है उससे हमने ये बात समझी कि ये तीनों मखलूक़ के लिए खालि के लिए नहीं है वो वाद हकी है बिला अश्तराक उसके सिफात में उसकी ज़ात में कोई शरीक नहीं है तो इसीलिए जो है मैंने आपसे जो अल्फाज इस्तेमाल किए ना कि हर किस्म के इश्तराक से हर किस्म के मुमासिलत से तजी से हलूल से इतिहाद से तवाज़ से तहलील से इश्तबा से हर शय से उसकी जात पाक है और यही वो आकदा है जो सल्फ साल से चला आ रहा है इन इस पर फिर मज़ीद बात करेंगे अगेन कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा असल वरहमु ला डोंट डोंट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू सैयद